बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों MES में सितंबर 2020 में सब इंजीनियर सिविल का जो पेपर हो चुका है, उसी पेपर को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको पेपर दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये पेपर है, इसमें ऊपर लिखा होता है इंटरमीडिएट कैंडिडेट्स के लिए। ये देखिए, तो ये कंप्लीट पेपर है, सब इंजीनियर का है और ये 29 या 30 तारीख को हुआ था, अपडेट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो शुरू करते हैं इस पेपर को। इसमें पार्ट ए जो है ये इस्लामिक स्टडीज रिलेटेड है और ये पेपर KPK पुलिस वालों के लिए भी इंतहाई अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है कि कुरान शरीफ की किस सूरह मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों को मोमिनों की माएँ कहा गया है। तो सूरह अहज़ाब में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बीवियों, जिसको उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, मोमिनों की माएँ हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम में सूद की ममानियत कब हुई? तो सूद की ममानियत 8 हिजरी में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है इसमें दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 नंबर क्वेश्चन, मशहूर सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक किस कबीले से था? बनू मखजूम कबीले से था उसका ताल्लुक था। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक कुएं में रहे? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक कुएं में रहे? 3 दिन तक। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कब हुआ था? ये 595 में, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, क्वेश्चन नंबर 6, साकी जमजम किस सहाबी का लकब है? साकी जमजम का लकब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा मुबारक है, उसका है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ग़ज़वे बदर में काफिरों का सरदार कौन था? ग़ज़वे बदर में कुफार का सरदार अबू जहल था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब आया था? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर चीख का अजाब आया था। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, जंगी मौता कब लड़ी गई थी? 629 में। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, 8 हिजरी थी और 629। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा ने कब इस्लाम कबूल किया था? ये 5 नबी या 5 6 नबी, यहाँ पर कुछ चंद मेरे ख्याल में कुछ गलती उन लोगों से लगी है, हिजरी लगी है, हिजरी का लफज लिखा हो, ये नबी का लफज लिखना चाहिए। 62 के 6 साल बाद, जब अबू जहल के मजालिम हद से बढ़ गए थे, तो हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त इस्लाम कबूल कर गए थे। तो इसको याद रखे 6 नबवी में। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान स्टडीज़ का पार्ट है, पार्ट बी जो है ये पाकिस्तान स्टडीज़ का पार्ट है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया था? 1906 में, दिसंबर का महीना था और 1906 में। इसी तरह कांग्रेस जो है 1885 में था और वो भी दिसंबर का ही महीना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, ये 29 दिसंबर 1930 की बात है,
خطبہ الہ آباد جو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خطبہ دیا تھا, تو کوشچن اس طرح کہ کس نے پاکستان کے تصور کو پیش کیا تھا, تو علامہ محمد اقبال تھے, آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر تین جو ہے, تین نمبر کوشچن اس طرح ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہو رہی تھی تو اس وقت پورے برصغیر میں 921 کارخانے تھے, اس میں پاکستان کے حصے میں کتنے کارخانے آئے تھے؟ 34 کارخانے آئے تھے صرف. اور کوشچن نمبر چار جو ہے دوستو, یہ کوشچن نمبر چار, کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ 1973 کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے عمر کی حد کیا ہے؟ تو 25 سال ہے دوستو, یہ کتنا ہے؟ 25 سال, آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر پانچ دیکھے, کوشچن نمبر پانچ یہ والا, پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کون تھے؟ پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین تھے, اور یہی شخص علامہ قائد اعظم کے وفات کے بعد گورنر جنرل بھی بنے تھے. تو یہ دوسرے وزیر اعظم اور دوسرے گورنر جنرل تھے. کوشچن نمبر سکس جو ہے دیکھیے دوستو, کوشچن نمبر سکس یہ لکھا ہے کہ ہڑپا کے کنڈرات پاکستان کے کس ضلع میں پائے جاتے ہیں یا کس ضلع میں؟ تو ہڑپا کے کنڈرات پنجاب کے ضلع ساہیوال میں ہیں, آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر سیون جو ہے, کوشچن نمبر سیون, پاکستان میں تل کا صحرا, پاکستان میں ٹوٹل پانچ صحراہے ہیں, اس میں ایک تل کا صحرا ہے, تو کہتے ہیں کہ تل دریائے اور تل ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان صوبہ پنجاب میں ہے, آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور اس طرح کوشچن نمبر ایٹ کو دیکھیں, کوشچن نمبر ایٹ, بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایک پروجیکٹ ہے جس کو سینڈک پروجیکٹ کہتے ہیں, ان کے معدنیات کس کے لیے مشہور ہے؟ چاندی, سونا اور کاپر ان تمام کے لیے مشہور ہے, تو آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر نائن جو ہے, نسپاک, این ای ایس پی ایس سی کے, نسپاک کا وجود کب آیا تھا؟ یہ 1973 میں قائم ہوا تھا, آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر دس نمبر کوشچن ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ دیامیر بادشاہ ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ دریائے سندھ پر ہے دوستو, دریائے سندھ, آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. دریائے سندھ کہاں پر ہیں؟ آپشن سی ہے, یہ آپشن سی از دا کریکٹ آپشن. آگے دیکھیے دوستو, اس کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہے پارٹ سی ہے, یہ انگلش کا ہے, پارٹ سی انگلش کا پارٹ ہے دوستو. تو اس میں پہلے کوشچن دیکھیں, کوشچن نمبر ون, مارک دا کریکٹ میننگ آف دا ایڈیم ان بلیک اینڈ وائٹ. ان بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب کیا ہے؟ ان بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہے ان ریٹن فارم, ان پرنٹنگ فارم, اصل اس کا اصل معنی ہے ان پرنٹنگ فارم. اس میں آپشن ڈی نظر نہیں آ رہا, لیکن ایکچولی یہ آپشن ڈی جو ہے یہ ان پرنٹنگ فارم ہے. اس طرح کوشچن نمبر ٹو دیکھیں, سلیکٹ دا کریکٹ سینونم آف دا ورڈ انڈسٹریس. انڈسٹری محنتی کو کہتے ہیں, اور اس کا سینونم جو ہے وہ انرجیٹک ہے, آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر تین جو ہے دیکھیں دوستو, کوشچن نمبر تین, سلیکٹ دا کریکٹ پیسیو وائز اسپیچ آف دا سینٹینس, وائی ڈیڈ ہی ناٹ انوائٹ می ٹو ڈنر, وائی واز آئی ناٹ انوائٹیڈ بائی ہم ٹو دا ڈنر, آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر چار جو ہے, انسرٹ دا کریکٹ پریزل ورڈ ٹو کمپلیٹ دا سینٹینس, وی آر ارینج ٹو میٹ ایٹ 10 o'clock,
in the morning on Sunday, but Aslam did not turn up. ऑप्शन सी इसमें लगेगा दोस्तों, टर्न अप. टर्न अप का मतलब वक्त पर नहीं मिला. और क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच, मार्क द एडजेक्टिव यूज इन द सेंटेंस. इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है? आपको एडजेक्टिव का तारीफ पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो नाउन को मॉडिफाई करे और जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं. तो यहां पर सेंटेंस है, अथर वांटेड टू रेंट अ कमोडियस बिल्डिंग. तो बिल्डिंग जो है ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये कमोडियस. तो ये लफ्ज जो है ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी. कमोडियस के माने वसी. क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, चूज द करेक्ट वर्ड. बैडमिंटन ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, स्पेलिंग की बात है. और क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अपलोड. ए डबल पी एल ए यू डी. अपलोड के माने किसी की तारीफ करना, तालियां बजाना, हिमायत करना. तो इसका अपोजिट लफ्ज जो है कंप्लेन है, किसी की शिकायत लगाना. और क्वेश्चन नंबर आठ जो है इसमें कि फिलिंग द ब्लैंक बाय इंसर्टिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द स्टेटमेंट. आई कुड नॉट गेट इन द डोर सो आई हैड टू क्लाइम इन अ विंडो. यहां पर ऑप्शन सी लगेगा. आई कुड नॉट गेट इन थ्रू द डोर सो आई हैड टू क्लाइम इन अ विंडो. कहते मैं दरवाजे से नहीं गुजर सकते इसलिए मैं खिड़की से पर चढ़ पड़ा. और क्वेश्चन नंबर नाइन देखे, नौ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. तारिक वॉज यूज टू टेक. तारिक वॉज यूज टू टेक एक्सरसाइज. ऑप्शन ए लगेगा, टी ए के ए के ई. और दस नंबर क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ. टू मैनी कुक, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप पार्ट डी को. जनरल नॉलेज का पार्ट है दोस्तों, पार्ट डी जनरल नॉलेज पार्ट है. व्हाट इज द करंट, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का करंट प्रेसिडेंट जो है अब्दुल कवी अहमद यूसुफ. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर दो देखे, हु टुक मोस्ट विकेट इन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019. मिचेल, इसका नाम है मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियन है, ऑप्शन ए. और क्वेश्चन नंबर तीन देखे, क्वेश्चन नंबर तीन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ऑन होम. अच्छा, ये एक्चुअली ऐसा है कि सूखी किनारी पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड. ये कहाँ पर? ये कागान वैली में है, तो कुनहार रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन को जरा देखिए, ठीक है, ऑन विच रिवर सूकी SUKI किनार हाइड्रो प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. कुनहार रिवर, दरिया कुनहार. और क्वेश्चन नंबर चार देखे, चार नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्री हैव रिपब्लिक गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. 90 कंट्रीज, ऑप्शन सी है आई थिंक, 90 कंट्रीज. और क्वेश्चन नंबर पांच देखे, क्वेश्चन नंबर पांच जो है, इन विच कंट्री पेपर वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना. और क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन को,
क्वेश्चन नंबर सिक्स कहते हैं कि विच आर्मी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ निशाने हैदर, कैप्टन सरवर शहीद, ऑप्शन डी करेक्ट है। और सेवन नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विन वॉज शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 1972 जुलाई 1972 में था, 71 के जंग के बाद सुलह था ये। और क्वेश्चन नंबर एट देखे, पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट G20। और क्वेश्चन नंबर नाइन जो है, विच मुगल एम्पायर ड्यूड द बादशाही मास्क एट लाहौर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन औरंगजेब आलमगीर है, ऑप्शन ए है। और दस नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड नांगा पर्वत इस, नांगा पर्वत का दुनिया में कौन सा पोजीशन है, नाइन्थ, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन पार्ट ई जो है, आई क्यों पार्ट है, जॉब टेस्ट। और इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है, देखिए, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड साउथ, ही टर्न राइट एट राइट एंगल्स, देन अगेन टर्न राइट एट राइट एंगल्स, इन विच डायरेक्शन ही इज अल्टीमेटली वॉकिंग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये क्वेश्चन इतने ईजी होते, इतना मुश्किल नहीं, आपने स्टार्ट करना है, कहाँ से जाना है, कैसे मोड़ना है, फिर आपको पता चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर टू जो है, सेलेक्ट द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 40 फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, लेस देन 40 फ्रॉम द गिवन चॉइसेस इज ऑप्शन डी है, 39 कंपोजिट नंबर है। और क्वेश्चन नंबर थ्री देखे, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, अ मैन सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हु इज द मैन टू द वुमेन, तो जो औरत वो इंट्रोड्यूस करा रही है, वो उसके वो दोनों आपस में, ये शख्स उस औरत का फादर इन ला है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर फोर देखे, चार नंबर क्वेश्चन, एफ वाई सी वी जी टी मीन्स वाटर, तो देन व्हाट डज एच के टी जी मीन, तो आपने इसमें रिलेशन फाइंड करना है, डब्ल्यू वाई की जगह डब्ल्यू आया, तो डब्ल्यू एक्स वाई दो इनसे पीछे चले जाना, इस तरह एच के दो इनसे पीछे, ई एफ, तो एफ आएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फायर आएगा, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर आठ जो है ना, फाइव, एफ 18 मिन कैन ईट 20 केजी ऑफ राइस इन 3 डेज, हाउ मेनी विल 6 मेन, तो हाउ लॉन्ग विल 6 मेन टेक टू ईट 40 केजी ऑफ राइस, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, 18 दिन। और क्वेश्चन नंबर सिक्स देखे, सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच इज ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑड जो मुख्तलिफ हो, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन बी है, बाकी अल्फाज एक दूसरे के अपोजिट है, जिस तरह रॉन्ग राइट, लॉन्ग और शॉर्ट, सीनियर और जूनियर, लेकिन ऑप्शन बी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखे, सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि शॉर्टकट की अंडरलाइन के लिए, शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल यू है। और क्वेश्चन नंबर आठ, मास ऑफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर, इसका 10 लीटर ऑफ वाटर का मास क्या होगा, 10 किलोग्राम होगा। और नौ नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, 2, 3, 4.5, 6.25 वगैरह, तो इसमें ऐसा है कि सबको 1.5 से ज़रब दिया है, तो आपको ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 10.125। और आखिरी क्वेश्चन जो है 10 नंबर, फ्रेंड इज टू इनिमी एज लव इज टू हेटरेड, ऑप्शन डी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट पेपर, जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर
लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।